हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो ये अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक अवेलेबिलिटी के ऊपर, और धीरे धीरे अवेलेबिलिटी के हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे अभी अगले 20-25 दिन। वेट वन सेकेंड। सो नेक्स्ट 20-25 दिन केवल और केवल थर्मो के प्योरली न्यूमेरिकल, जितने अच्छे न्यूमेरिकल हैं वो मैं अपलोड करूँगा। और अगर किसी को ईएस या गेट के कोई पर्टिकुलर ईयर में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला जो क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम के लिए डिराइव होता है, उसमें किसी को प्रॉब्लम हो और ना समझ में आती हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, फिर हम थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आगे लेके सॉल्व करेंगे। हर एक टॉपिक थर्मो का धीरे धीरे हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन बनाना आना चाहिए क्योंकि थ्योरी तो रट लेते हैं सारे, तो क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन कि एयर एट 6 bar एंड 77 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोज थ्रू अ टर्बाइन एडियाबेटिकली, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 meter per second एंड लीव द टर्बाइन एट 1.2 bar एंड 7 डिग्री सेंटीग्रेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 meter per second। सो डिटरमाइन पर के जी ऑफ एयर, पर के जी ऑफ एयर मतलब क्या, मास 1 kg लेके पर के जी उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पूछा क्या क्या है, डब्ल्यू मैक्स पूछा है, ई रिवर्सिबिलिटी पूछा है और एक्चुअल वर्क पूछा है। और बोला है कि एज्यूम करो कि सराउंडिंग जो है हमारा कितने पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 1 bar पे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डाटा एक बार वो क्या बोला है कि इसमें एयर देखो दिया है, एयर क्या हमारा होता है, आइडियल गैस, पहले तो ये जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, प्रेशर दिया है हमारा 6 bar, टेम्परेचर 77 डिग्री दे दिया था, तो 77 + 273, ठीक है, 350 केल्विन। फिर दिया था हमारा C1 दिया था, C1 यहाँ पे वेलोसिटी को मैं C1 से C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और प्रेशर P2 दिया था आपका 1.2 bar, T2 7 था तो 273 780 केल्विन और C2 दिया था 150 meter per second। अच्छा, एयर के लिए आप CP क्या अज्यूम कर सकते हैं, 1.005 meter per second, और R की वैल्यू क्या होती है, 0.287 kJ के लिए। ठीक है, तो ये टरबाइन इसमें बोला है, ठीक है, टरबाइन है और टरबाइन क्या होता है, एडियाबेटिक बोला है क्वेश्चन में, ठीक है ना, टरबाइन एडियाबेटिक बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, टरबाइन होता क्या भैया, ओपन सिस्टम होता है, तो ओपन सिस्टम के लिए डब्ल्यू मैक्स निकालने के लिए क्या हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, H1 - H2 - T0 S1 - S2। ठीक है, और एक चीज़ फॉर्मूला इतना ही होता अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ना दिया होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया है तो उसको भी ऐड कर लेंगे, और अगर पोटेंशियल एनर्जी भी दिया होता तो प्लस जी कॉमन Z1 - Z2 / 1000 लिखते। ठीक है, वो चीज़ दिया नहीं है, ओके। तो अब यहाँ देखिए कि H इक्वल टू क्या होता है, MCP dT, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, H/m लिख रहे हैं। ठीक है, CP dT पर के जी, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये CP और T1 - T2 हो जाएगा, ठीक है, -T0 S1 - S2 + C1² - C2² / 2। थोड़ा तो पहले हम यहाँ एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, तो H2 - S1 हम लोग निकालते हैं, तो इसमें इसका एक आइडियल गैस के लिए इंट्रोपी निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम होगा, CP log T2 / T1 - R log P2 / P1, CP 1.005 log T2 280 / T1 350, ठीक है, माइनस आर की वैल्यू 0.287, एयर के लिए लॉग
पी टू दिया है आपका 1.2/6, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वेट तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है 0.2376 किलो जूल पर केजी के लिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखो क्या है, S1-S2 है, तो अगर S1-S2 इसको लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो S1-S2 क्या हो जाएगा, -0.2376। चलो अब डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू, W मैक्सिमम CP क्या है 1.0, अब ये इक्वेशन में रखना है, ठीक है। 0.05, T1 कितना था 350 और -280 माइनस T0 क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो कि सराउंडिंग टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 मतलब क्या 298 केल्विन, ठीक है 298 केल्विन। अब देखो ये -298 हो गया T0, ठीक है, और S1-S2 निकाल लिया हम लोगों, ये भी माइनस में, तो लिख दो -0.2376 प्लस C1 कितना था 90 था, 90 का स्क्वायर -150 का स्क्वायर -2000, चलो निकाल लो 350 - 280 70 × 1.005 कितना आ गया ये 70.35, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो डायरेक्ट प्लस में ले लो 298 × 0.2376 कितना आ गया, ये भी आ गया 70.80, ठीक है। ये माइनस में आएगा क्योंकि 90 - 150 है, तो देख लो 90 150 स्क्वायर / 2000 कितना हो गया -7.2 आ रहा है, तो यहाँ से आपका डब्ल्यू मैक्स आ जाएगा, क्या होगा डब्ल्यू मैक्स 70.35 प्लस 7.80 माइनस, ये आपका डब्ल्यू मैक्स आ गया 13395 किलो जूल पर केजी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा पूछा है क्वेश्चन इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला होता है भैया, ये दिया था गेस टूडला थ्योरम बोलते हैं, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। क्वेश्चन में क्या बोला है कि टरबाइन एडियाबेटिक है, ठीक है, तो यूनिवर्स का एंट्रोपी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस सिस्टम का और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का, ठीक है। तो सराउंडिंग तो जीरो है ना, क्योंकि एडियाबेटिक है, बाहर हिट जाएगी नहीं, तो I=T0 क्या था 298 था, और डेल्टा एस सिस्टम का निकाल चुके हम लोग 0.2376, तो 298 × 0.2376 78.80 किलो जूल पर केजी, ये हमारा क्या है इरिवर्सिबिलिटी है। अच्छा क्वेश्चन में पूछा था एक्चुअल वर्क भी, एक्चुअल वर्क निकालने के लिए एक इरिवर्सिबिलिटी का और फार्मूला होता है, क्या होता है वो डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्चुअल, ये आया आपका 70.80, डब्ल्यू मैक्स आपका आया था 133.95 और ये हो गया माइनस डब्ल्यू एक्चुअल, तो यहाँ से डब्ल्यू एक्चुअल आ जाएगा वो क्या होगा 63.14 किलो जूल पर केजी। अब तीन चीज़ पूछा था, तीनों निकल गया, लेकिन W एक्चुअल आप एक और तरीके से निकाल सकते थे, मैं एक और फार्मूला लिख दे रहा हूँ वो आप कैलकुलेट करना, SFEE के मदद से W एक्चुअल उसके वजह से भी निकाल सकते थे। देखो क्या होता है, H1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस Q0 था, एडियाबेटिक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी दिया नहीं है, तो सीधे इधर आ जाओ H2 प्लस C2 स्क्वायर / 2000 और वर्क, तो ये हमारा एक्चुअल वर्क दे देगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो यहाँ से भी आप W एक्चुअल निकाल कर देख सकते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप
अगर कोई टॉपिक थर्मो में जो आपका वीक हो और उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं, या कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।